दोस्तों आईपीएल 2024 के स्टार्ट होने से पहले कुछ सुपरस्टार प्लेयर्स एज ए रिप्लेसमेंट या फिर एज ए रिजर्व प्लेयर के तौर पे अलग अलग आईपीएल टीमों को ज्वाइन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पांच काफी बड़े प्लेयर्स के नए आईपीएल टीमों का नाम बताएंगे जो कि ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे और अब आईपीएल में वापसी करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन कुछ बड़े प्लेयर्स के नए आईपीएल टीमों का नाम बता देते हैं। तो इस लिस्ट के पहले बड़े प्लेयर हैं इंडिया के सरफराज खान, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार डेब्यूट किया था और अब सरफराज खान को मुंबई इंडियंस की टीम एज ए रिजर्व या फिर रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे अपनी टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव चोटिल हैं और वो आईपीएल में खेलेंगे या नहीं इस बात के ऊपर सस्पेंस है। तो इस वजह से एमआई की टीम सरफराज खान को एज ए रिजर्व प्लेयर अपने टीम में शामिल करती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे बड़े प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड, जो कि ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे क्योंकि वो आधा आईपीएल के बाद ही अवेलेबल हो पाएंगे। तो अब जॉस हेजलवुड को दो आईपीएल टीमों की तरफ से आईपीएल में खेलने का प्रपोजल मिला है, जिसमें नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स का, जहां पे आरसीबी टीम के टॉम करन हो सकता है कि आईपीएल में ना खेले और इसी टॉपले भी सस्पेक्टेड है। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के मुस्तफिजुर रहमान आधा आईपीएल के बाद आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। तो इस वजह से जॉस हेजलवुड को आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीमें अपने स्क्वाड में शामिल करने का पूरा प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे बड़े प्लेयर है वेस्टइंडीज के सेमार जोसेफ, जो कि उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज है और सेमार जोसेफ का आईपीएल में एंट्री हो चुका है, जहां पे लखनऊ सुपर जायंट की टीम ने मार्क वुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर सेमार जोसेफ को अपने टीम में ऑफिशियली शामिल कर लिया है। तो कुल मिलाकर के सेमार जोसेफ अब लखनऊ सुपर जायंट की टीम की तरफ से खेलेंगे, जहां पे 3 करोड़ रुपया में सेमार जोसेफ ने लखनऊ की टीम को ज्वाइन किया। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे बड़े बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज फिन एलन। फिन एलन का हालिया टी20 परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, तो अब फिन एलन को पंजाब किंग्स की टीम बैरिस्टो के बैकअप के तौर पर अपने टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के चलते मोस्ट लाइकली बैरिस्टो आईपीएल को मिस आउट कर सकते हैं। तब इस कंडीशन में फिन एलन को पंजाब की टीम अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। वहीं इस लिस्ट के अंतिम प्लेयर है कुशल मेंडिस, जो कि श्रीलंका के ताबड़तोड़ बिग हिटर बैट्समैन है और कुशल मेंडिस को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के रहमानुल्ला गुरबाज हो सकता है कि आईपीएल के कुछ मैचों को मिस आउट करे और जेसन रॉय भी टी20 वर्ल्ड कप के चलते आईपीएल के मैचों को मिस आउट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस वजह से कुशल मेंडिस को केकेआर एज रिजर्व प्लेयर अपने टीम में शामिल कर सकती है। तो ये था पांच बड़े प्लेयर्स का नाम जो कि आईपीएल में अपना वापसी करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।